नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप यह भी मुझसे हमेशा पूछते हैं कि कार्यों में सफलता के लिए हमें क्या करना चाहिए। जब भी आप घर से निकले या किसी भी कार्य को शुरू करते हैं या कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा है, जिस कार्य में बहुत अड़चने रुकावटें हो रही है, तो ऐसे कार्यों में अगर आप चाहते हैं कि उन कार्यों को सफल जल्द से जल्द हो, उन कार्यों का नतीजा आए और हम जीवन में आगे बढ़े, तो कुछ प्रयोग हैं जिन प्रयोगों को करने से आप इन कार्यों में तेजी और सफलता देखने को मिलेगी। और इन प्रयोगों को करने के बाद आपको 10 से 11 दिनों के भीतर ही फायदा देखने को मिलेगा। तो जो कार्य स्थिर हो चुके हैं, जिन कामों में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, ऐसे कार्यों के लिए यह प्रयोग आप अवश्य रूप से करें, स्वयं भी करें, और जिन भी आपके दोस्त मित्र परिजनों को अगर वो नहीं सफल हो पा रहे तो उन्हें भी यह प्रयोग साझा आप जरूर करें। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आप इस प्रयोगों को समझने से पहले कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम जरूर लिखें, हर हर महादेव लिखें, जय शिव शंभो लिखें, कोई भी एक नाम महादेव का जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप आए व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, कमेंट्स करें, भोलेनाथ का नाम लिखें, और जो भी आपके मन में हो पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। जब भी किसी कार्य के लिए आप घर से निकले तो सीधा पैर बाहर निकाल कर निकले, लेकिन घर से निकलने से पहले एक घी का दीपक लगाकर दक्षिण की तरफ मुख कर बजरंग बाण का वाचन करें, स्नान ध्यान करें। स्नान ध्यान करने के बाद में जो भी अपना पूजा स्थल हो वहाँ पर नहीं तो किसी भी स्थान पर आप एक दीपक लगाएं, घी का दीपक लगाएं, तेल का दीपक लगाएं, जो भी आपके पास हो उनका दीपक लगाकर आप दक्षिण की तरफ मुख करके बजरंग बाण का पाठ करें। ऐसा प्रयोग आप हर शनिवार और मंगलवार करें, जब भी कार्य उस कार्य में के लिए जाएं तब उसका प्रयोग अवश्य रूप से आपको करना ही है। दूसरा है कि 5 प्रकार के धान लें, आप सभी एक क्वांटिटी में ले, मान लीजिए 100 ग्राम ले लिया 5 प्रकार के धान, तो आपके पास आधा किलो धान हो गया है। 5 प्रकार के, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, तिलहन हो गई, कोई दाल हो गई, तो 5 प्रकार के अनाज हो गए जो हम खाते हैं, वह 5 प्रकार के अनाज रोज थोड़ा थोड़ा गाय की रोटी में मिलाकर गाय माता को खिलाना है। ऐसा करने से जितने सारे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव या उनका ऋण है, उन ऋण से हमें मुक्ति मिलेगी और उस ऋण के मुक्ति होने से हमारे जीवन में उन्नति की ओर हम अग्रसर होंगे। तीसरा प्रयोग आपको ये करना है कि अपने अगर कार्यों में तेजी नहीं आ रही है तो चांदी, सोना, जो भी धातु शरीर पर धारण की है उसे उतार दें। अब महिलाओं को आमतौर पर मंगलसूत्र पहनना पड़ता है, तो कुछ दिनों के लिए प्रयोगात्मक जो हमें नकली मिलते हैं, नकली समझते हैं आप, वह पहन ले, कुछ दिनों के लिए उन्हें उतार दें। 5 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं करना है। चौथा प्रयोग करना है गुरु मंत्र। मैं हमेशा कहता हूं अपने पास एक गुरु मंत्र होना आवश्यक है, नहीं है तो ले ले, अगर नहीं है तो नमः शिवाय का जाप करें, पर मन में सतत जाप करें, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस मंत्र के प्रयोग से, जाप करने से आपके हृदय के एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी और आपके काम अनायास बनेंगे। आप जिस भी कार्य में कर्म, जो भी कर्म करेंगे, उन कर्मों में आपके पास अलग सा एफर्ट होगा, जो आप खुद महसूस करेंगे उस शक्ति को। ये सभी प्रयोग अगर आप करते हैं तो जितने सारे कार्य जिनमें आप तेजी नहीं मिल रही, जिन कामों में आपको सफलताएं नहीं मिल रही, उन सभी में सफलता मिलेंगे और आपके कार्य जरूर सफल होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साझा